हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर इस तरह सलमान बने सुंबुल के जख्मों का मरहम, पूछे सुंबुल के आंसू क्या हुआ है, किस तरह से टूटी हुई सुंबुल को संभाल रहे हैं सलमान, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड का वार हुआ शूट और ऐसे में आए सलमान खान। लेकिन सलमान खान जहां बाकी घर वालों की क्लास लगाते हुए नजर आए, वहीं सुंबुल के साथ वो काफी ज्यादा पोलाइट नजर आए। यहां पर सलमान ने सुंबुल को बोला कि कहां गायब हो गई वो सुंबुल जो स्टेज पर काफी ज्यादा एनर्जेटिक थी और ना जाने उसने कितने सारे रंग अपने यहाँ पर दिखाए थे। सुंबुल ने कहा, सर कहीं नहीं खोई हूँ। सलमान ने कहा उसके बाद, पर मुझे वो सुंबुल कहीं गायब नजर आ रही है, वो सुंबुल घर में कहीं नहीं मिल रही है, ये सुंबुल तो बार बार रो पड़ती है, क्या दिक्कत है। जिसके बाद सुंबुल ने सलमान को एक एक बात बताई। सुंबुल ने सलमान को बताया कि सर मैं इस घर में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लोनली महसूस करने लगती हूँ, कई बार मन नहीं लगता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर रही हूँ। जिसके बाद सलमान खान ने सुंबुल को समझाया और कहा कि सुंबुल ये घर बहुत अजीब है, इस घर में तुम्हें कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, लेकिन कभी भी अपने आप को टूटने मत देना, क्योंकि अगर टूट गई तो शो में आगे नहीं जा पाओगी। और तुम तो अपने अब्बा से ये वादा कर आई हो कि तुम्हें शो जीतना है, तो भला अगर पहले ही हफ्ते में तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, तुम इतना रोगी तो कैसे चलेगा। और तुम छोटी ज़रूर हो लेकिन स्ट्रांग हो, और अपनी स्ट्रांगनेस को कभी भी कम मत होने देना। जिसके बाद रोती हुई सुंबुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और सलमान भी मुस्कुराने लगे। दोस्तों, आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।